हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे फ्रूट केक। लेकिन ये बहुत ही खास फ्रूट केक है क्योंकि इसे हम बिना शुगर के बनाएंगे, यानी कि ये विदाउट शुगर वाली हेल्दी व्हीट केक है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ये रेसिपी पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएँ और ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं शुगर फ्री हेल्दी व्हीट केक। तो इसके लिए हमें एक बाउल चाहिए और फिर उसमें डाल देंगे 1.5 कप होल व्हीट फ्लावर, यानी कि आटा। साथ में हमें चाहिए 3/4 कप सैमोलिना, यानी कि सूजी। फिर इसमें डाल देंगे चुटकी भर नमक यानी कि सॉल्ट। साथ में डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और उसके साथ डाल देंगे मिक्स्ड स्पाइस पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है तो इसे पहले आपस में मिला लेना ज़रूरी है। तो इसे मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब हमें चाहिए कर्ड यानी कि दही। यहाँ पर मैंने दही को इस तरह के स्ट्रेनर पे इसलिए डाला है क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और खट्टापन कम हो जाए। साथ में डालेंगे 1 टीस्पून वैनिला एसेंस। अब इनको अच्छे से फेंट लेंगे क्योंकि दही यहाँ पर हार्ड हो चुके हैं, क्योंकि इसका पानी तो निकल गया है तो इसे फेंटना ज़रूरी है। फिर इसमें डालेंगे वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पर मैंने 6 to 7 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल लिया है क्योंकि ये हेल्दी वर्जन है तो इसलिए मैंने ऑयल लिया है। आप चाहे तो इसमें मेल्टेड बटर ऐड कर सकते हो। तो अभी ऑयल के साथ दही को भी फेंट के तैयार कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे डेट पेस्ट यानी कि खजूर का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम खजूर को थोड़ी सी पानी के साथ पेस्ट बना लिया है। आप चाहे तो रेडीमेड डेट सिरप भी यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी मीठा होते हैं तो इसकी वजह से हमें ज़्यादा शुगर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर फ्रूट्स भी है और ये सिरप जो डेट की पेस्ट हमने बनाए हैं ये भी काफ़ी मीठा है तो ज़्यादा शुगर इसमें नहीं चाहिए। फिर इसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे थोड़े थोड़े करके डालते जाएंगे और इसे इस तरह से मिलाते जाएंगे। अगर ये मिक्सचर आपको ज़्यादा ड्राई लगे या बहुत ज़्यादा टाइट महसूस हो तो इसमें आप थोड़ी सी दूध मिलाकर इसे पतला बैटर बना सकते हो। तो इसे मिक्स करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मिक्स हो चुके हैं और ये बहुत पतला भी नहीं है और एकदम टाइट बैटर भी नहीं है, और यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। फिर इसमें डाल देंगे मिक्स्ड फ्रूट। मैंने इस तरह के कुछ फ्रूट्स लिया है, आपके पास जो भी हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो इसे डालने के बाद एक चम्मच की मदद से इसे हल्के हाथों से धीरे धीरे मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर इसको ना मिलाएं। तो यहाँ पर हमें चाहिए केक बेकिंग टिन, जिनको मैंने पार्चमेंट पेपर लगा लिया है और तेल के साथ ग्रीस करने के बाद इसमें थोड़ी सी आटा डस्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे केक का जो बैटर हमने बनाए हैं। इसे दबा दबा कर ना डालें, बस ऊपर से पहले इस तरह से डाल दें। और फिर इस तरह से 5-6 बार टैप करते हुए इसको फैला दे ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स हो गए हो वो बस्ट हो जाए और ये पूरी तरह से फैल जाए पूरे केक टिन पर। अब इसे बेक करना है प्री हीटेड ओवन पर 35 to 40 मिनट्स के लिए, या फिर आप इसे गैस ओवन में भी बेक कर सकते हो, वो भी सेम टाइम लेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे तरह से बेक हो चुके हैं। इसके ऊपर क्रैक्स आ गए हैं लेकिन ये बहुत ही आम बात है, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। तो इसे अभी डीमोल्ट कर लेंगे। तो इसे पहले थोड़ी सी टैप कर देंगे
और उसके बाद एक प्लेट लेकर उस प्लेट के अंदर इसको इस तरह से उलट कर ये देखिए ये तुरंत डीमोल्ड हो जाते हैं। अब इसके नीचे जो पार्चमेंट पेपर यानी कि बटर पेपर हमने लगाए हैं उसे निकाल लेंगे और ये देखिए हमारा शुगर फ्री केक एकदम से तैयार हो गए हैं। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए इसे काट के भी देख लेते हैं, लेकिन काटने से पहले ये ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ठंडा हो चुके हैं, अब इसे एक शार्प नाइफ की मदद से काट के देख लेते हैं कि ये अंदर से कैसी बनी है। तो इस तरह से इसे काट लेंगे और ये देखिए ये अंदर से कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बनी है, ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक ये तैयार हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।